दोस्तों, जैसा कि उम्मीद तो यही है कि काफ़ी सारी बॉलीवुड की फिल्में जो कि आगे हमें सिनेमाघरों की जगह सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। और जैसे कि इसी बीच हमें सुनने को मिला था कि लक्ष्मी बॉम्ब जो कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती दिखेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि लक्ष्मी बॉम्ब अब आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि लक्ष्मी बॉम्ब को पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। यहाँ दोस्तों जैसा कि हमें सुनने को मिल रहा था कि लक्ष्मी बॉम्ब जो कि डायरेक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है, हालांकि जैसा कि अब हमें सुनने को मिल रहा है कि लक्ष्मी बॉम्ब को सिनेमाघरों में पहले रिलीज किया जाएगा और उसके बाद लक्ष्मी बॉम्ब हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। यहाँ दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महामारी के खत्म होने के बाद लक्ष्मी बॉम्ब की नई रिलीज डेट अनाउंस होगी और ये फिल्म हमें सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। और जैसे कि यह फिल्म के OTT स्ट्रीमिंग राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार को दिए गए हैं, तो इसमें फिल्म के रिलीज होने के बाद यह लक्ष्मी बॉम्ब को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग किया जा सकेगा। लेकिन जैसे कि फिलहाल तो लक्ष्मी बॉम्ब हमें थिएटर्स में ही दिखेगी। और जैसे कि इसके साथ ही 83 फिल्म की तरफ से भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी कि यह फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं होती है। तो यहाँ जैसे कि बॉलीवुड की कई सारी बड़ी ऐसी फिल्में जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा है, इन फिल्मों को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने का मन नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि यहाँ फिल्मों का बजट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ जैसे कि फैंस काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कई सारी बड़ी ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए, हालांकि अभी भी उम्मीद है कि कई सारी ऐसी फिल्में जो कि हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर दिख सकती है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।